एनालिसिस बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही महागठबंधन में एक बड़ी टूट देखने को मिल रही है। जीतनराम मांझी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर राजद को पहले ही चेता दिया है, 25 जून तक का अल्टीमेटम दिया है। वहीं राजद विधायक ने आज सीधे तौर पर यह कह दिया है कि जो लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं उन्हें महागठबंधन से आउट कर दिया जाएगा। अभी इस बयान को लेकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान काफी गुस्से में हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि जो लोग ये कहते हैं कि ब्लैकमेल कर रहे हैं उन्हें राजनीति भी सही से नहीं आती है। आप सुनिए दानिश रिजवान क्या कुछ कहते हैं। दानिश जी, क्या जीतन राम मांझी एनडीए में जाने की तैयारी कर रहे हैं? लगता है कि चिराग पासवान की छुट्टी होगी? देखिए, मजबूती के साथ महागठबंधन में है और हमने स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि 25 तारीख के पहले महागठबंधन के नेता कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर ले या उस ओर कदम बढ़ाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो वैसी परिस्थिति में हम अपने नेताओं से बैठ के बातचीत करेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे कौन सा गठबंधन हमें कहाँ बुलाता है, एनडीए हमें बुलाता है या महा और थर्ड फ्रंट की बातचीत जो हो रही है वो अभी कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही है। हम अभी मजबूती के साथ महागठबंधन में हैं और हम 25 तारीख तक का इंतज़ार कर रहे हैं कि 25 तारीख के पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी महागठबंधन में बन जाएगी। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि आप महागठबंधन के जो अन्य दल हैं उनको आप सीधा सीधी धमकी दे रहे हैं? हम किसी को कोई धमकी नहीं दे रहे हैं, हम लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत कर रहे हैं, हम लोकतांत्रिक तरीके से बातें से रख रहे हैं और स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि 5 दलों का जब अलायंस होता है तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है और उसी कोऑर्डिनेशन की हम बातचीत कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो जाए, हम मजबूती के साथ केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़े। कोऑर्डिनेशन कमेटी भाई वीरेंद्र का कहना है बन चुकी है और राहुल गांधी ने ही तय कर दिया था तेजस्वी यादव नेता होंगे, आप लोग किस बात को लेकर के बार बार? देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है कि नहीं बनी है ये इस बात की जानकारी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता दे रहे हैं। मीटिंग कर लें, अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई है तो आज मीटिंग करें, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी साथ बैठ के मीटिंग में जाने के लिए तैयार हैं। दानिश जी, जिस तरीके से राजनीतिक हलचल हो रही है, ऐसा है कि आप लोग एनडीए में जा रहे हैं? देखिए, एनडीए में जाने का कहीं से कोई सवाल नहीं उठता है, हम मजबूती के साथ महागठबंधन में हैं और 25 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि 25 तारीख तक महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जानी चाहिए, क्योंकि लगातार हम पिछले एक साल से कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं और महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी की पूरी ज़रूरत है, क्योंकि 5 दलों का जब अलायंस होता है तो उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी आवश्यक है। और चूंकि अब बिहार विधानसभा का चुनाव आ रहा है, लोकसभा के चुनाव में हमारी पूरी हार हुई है, वैसे कंडीशन में हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनता है तो उसका परिणाम घातक होगा महागठबंधन के लिए। अफसोस कर रहे हैं कि आरजेडी जो है वो मनमानी कर रही है, आरजेडी अफसोस मनमानी कर रही है, आप कर रहे हैं जो भी पार्टियां हैं वो बाहर जा सकते हैं? देखिए, 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट है और हम स्पष्टता साफ वोई से बातचीत कर रहे हैं। राजनीतिक दल तानाशाही से नहीं चलता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही हम अपनी बातों को रख रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको राजनीतिक समझ नहीं है। जब 5 लोग एक साथ बैठते हैं तो वो तभी बैठते हैं जब कोई कोऑर्डिनेशन बनता है। आप देखिए, पिछले 8 महीने से कोई बैठक हुई है क्या महागठबंधन की? कोई नेता कहीं बैठा है क्या? कोई कहीं जाकर धरना दे रहा है? कोई कहीं जाकर प्रदर्शन कर रहा है? हमारा मानना है कि एकजुट होकर के हम सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन करें और उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी ज़रूरत है। जिन नेताओं को लगता है कि हम उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं उनको राजनीति सीखने की ज़रूरत है। महागठबंधन में तानाशाही कौन कर रहा है तो आपका नेता? देखिए, मैंने आपको स्पष्ट तरीके से कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी ही बननी चाहिए और जो लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने में अड़ंगा लगा रहे हैं वो निश्चित तौर पर तानाशाही। सोनिया गांधी से तो आपने सुना, दानिश रिजवान हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि फिलहाल वो मजबूती के साथ महागठबंधन में है, किसी और दल में नहीं जा सकते हैं, लेकिन 25 जून तक अगर आरजेडी ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो किसी भी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने राजद विधायक भाई वीरेंद्र के बयानों को लेकर यह भी कह दिया कि हम लोकतांत्रिक तरीके से बात उठाते हैं, जिन्हें यह लगता है कि ब्लैकमेल कर रहे हैं उन्हें राजनीतिक ज्ञान नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर आगे क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती है। अब बटर हेडलाइंस बिहार के साथ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।